वॉश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। सेवन शरीफा कोरोना वायरस सबबा यकशला लॉकडाउन बढ़ जाए। हैदे दरगता हजरत लाल शबाज कलंदर दरगाह हम बंद कनक बताएंगे। दिलगोश करें माजिद अली कुरैशी रिपोर्ट। इसकी वबा के बायस लॉकडाउन का मुसलसल सिलसिला जारी है। ऐसे आलम में जो है माजी की ईदों से ये ईद किस तरह मनाई जा रही है, इसी हवाले से यहाँ पर मौजूद सेवन के शहरियों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है? जी, यहाँ की ईद बहुत मुख्तलिफ किस्म की गुजरी है और यहाँ पे जितनी वबा फैली हुई है तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ की ईद इतनी गरीब हो और जो गरीब थे वो और भी गरीब हो गए और गरीबों की ईद ऐसी गुजरी है कि अल्लाह उनके ऊपर नजर करम करे। जो जो हमारे ऊपर जो मुसीबतें चल रही हैं और ईद ॾाढी दुखी थी कोरोना जो गरीब मानू बेरोजगार लगा पा हूँ छा खाऊँ घर में ना छा तो का शे कान्हे का मेहरबानी करे साईं मुराद अली शाह के दरगाह खोलियो वजे अपील था कयो असा बेरोजगार वेठा हूँ असा वांदा वेठा हूँ गरीब मानू असा नौकरी तो ना 500 कमायूँ था घर के खाने लाइ रुपये भी ना इन कर दरगाह से आया रोजी कई गरीब मानू काटे वे कराची से यहाँ पर आए हैं। पहले खबर मिली दरगाह खुली हुई है, जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ दरगाह ही बंद है। अब कराची से हम लोग कल रात 1:30 बजे के निकले में सुबह यहाँ पर 7 बजे पहुँचे। बस घूम रहे हैं यहाँ पर, यहाँ सन्नाटा लगा पड़ा है, कोई बस खैर खबर नहीं है, बोलते हैं कोरोना है कोरोना है। ये ईद बिल्कुल सादगी से मना रहे, लॉकडाउन की वजह से दरगाह भी बंद है और हम भी बेरोजगार बैठे हैं और CM सिंध से मुतालबा है कि दरगाह खोली जाए ताकि लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाए। जैसा कि यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना है कि माजी की ईदों से ये ईद जो है मुख्तलिफ तरीके से मनाई जा रही है और इस वक्त जो है लोग अपने घरों तक महदूद रह गए। आज ईद का तीसरा दिन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर शहर मुकम्मल तौर पर बंद है। खास तौर पर यहाँ की जो दरगाह लाल शहबाज कलंदर है वो भी बंद की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेला और ईदें जो है वो भी इस वक्त जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और ये जो रहने वाले दिहाड़ी पर कमाने वाले छोटे कारोबारी और बड़े जो कारोबारी लोग हैं वो भी सख्त मुश्किल का सामना कर रहे हैं और इस वक्त जो है जिंदगी फाका कशी में गुजार रहे हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से लोगों का मुतालबा है कि दरगाह लाल शहबाज कलंदर को खोला जाए ताकि यहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। कैमरामैन टीम के हमराह माजिद अली कुरैशी, वश न्यूज़, सेवन शरीफ।